क्रिश 4 को हॉलीवुड मूवी की तरह बनाने का प्लान क्यों है? सुपर हीरो वाली फिल्में सिर्फ ऋतिक रोशन पर ही क्यों अच्छी लगती हैं? और फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सीक्वलों की बहार में सीक्वलों के सुपरस्टार यानी कि ऋतिक रोशन अपनी क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म यानी कि क्रिश 4 लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण बॉलीवुड में क्रिश 4 की चर्चा जोरों पर होने लगी है। कुछ समय पहले राकेश रोशन ने घोषणा भी की थी कि वो बाहुबली की तर्ज पर क्रिश 4 और क्रिश 5 की शूटिंग करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, हाल ही में ऋतिक रोशन की सालगिरह बीती है और लोगों को उम्मीदें हैं कि राकेश रोशन की तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे खबरें आ रही हैं कि क्रिश 4 को हॉलीवुड स्टाइल में प्रेजेंट किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉलीवुड में इन्फिनिटी वॉर विश्व की सबसे बड़ी हिट सुपर हीरो वाली फिल्म मानी जाती है और ठीक उसी तरह क्रिश 4 को भी भारत में उपाधि मिली है। दोस्तों, वहीं अगर सुपर हीरो वाली बात करें तो सुपर हीरो वाली बात सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी इमेज ग्रीस के गॉड जैसी है। चाहे वो कदकाठी हो या उनका लुक्स हो, अगर आप उनको ध्यान से देखते हो तो उनमें ग्रीस के गॉड जैसी छवि दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि भारत की जनता उनको सुपर हीरो वाली इमेज में स्वीकार कर पाती है। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं शायद, लेकिन उनमें वो बात नहीं जिसकी वजह से जनता उनको सुपर हीरो वाली इमेज में स्वीकार नहीं कर पाती। वैसे दोस्तों, आज भी भारत देश हीरोइज्म में बिलीव रखता है। और वैसे भी ऋतिक रोशन बहुत मेहनती एक्टर हैं, वो अपनी हर फिल्म में मेहनत करते हैं, चाहे वो गुजारिश हो या जोधा अकबर। मतलब वो अपने अभिनय के दम पर अपने नए कैरेक्टर की अवधारणा को हमेशा प्रूव करते हैं। और दोस्तों, उनका अपना एक अलग अंदाज है अभिनय करने का, मतलब कि उनकी अपनी एक अलग ही अभिनय शैली है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें फिल्म को शुरू होने में देरी क्यों हो गई, दरअसल इसकी वजह ये है कि ऋतिक रोशन के फादर यानी कि राकेश रोशन की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म शुरू नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दूं कि क्रिश 4 में ऋतिक रोशन के अपोजिट कृति सैनन को देखा जा सकता है। वहीं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस बार क्रिश 4 और क्रिश 5 की कहानी किसी इंडियन गॉड से इंस्पायर्ड होने वाली है। और दोस्तों, ये भी माना जा रहा है कि क्रिश 4 की शूटिंग 2020 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्रिश 4 की कहानी आखिर किस इंडियन गॉड से इंस्पायर्ड होने वाली है। आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।